हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंडर शेयर की तरफ से आने वाला पीडीएफ एलिमेंट के बारे में और आपको बताएंगे कि अगर आपको पीडीएफ फॉर्म या फिर टेक्स्ट को एडिट करना है तो ये वेबसाइट काफ़ी कमाल साबित हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल यानी कि आप फॉन्ट और उसका थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर, ये सब कुछ पॉसिबल होगा यहाँ पर वंडर शेयर का पीडीएफ एलिमेंट के वेबसाइट के साथ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसको आप काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ एलिमेंट के साथ आप इस तरीके की ऑफ़र के साथ यहाँ पर इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में आपको जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और आप पीडीएफ एलिमेंट अपने फ़ोन के लिए यानी कि मोबाइल के लिए आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विंडोज़ के लिए इंस्टॉल किया हुआ है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो भी फीचर्स है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर विंडोज़ के लिए यहाँ पर डाउनलोड किया और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन होता हुआ दिख जाएगा जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन आपको कर लेना है। लॉगिन के जस्ट नीचे आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप अकाउंट को आप क्रिएट कर लेना, फिर आप लॉगिन कर लेना। इसके बाद यहाँ पर जिस भी पीडीएफ में आपको चेंजेस करना है उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट के अंदर और कुछ टाइम में ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका पीडीएफ, आप रेडी हो सारे चेंजेस करने के लिए और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। होम, व्यू, कन्वर्ट, एडिट, कनेक्ट, पेज, फॉर्म, प्रोटेक्ट, शेयर और हेल्प, इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिट के ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ क्या क्या एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट के सेक्शन में जाके आप टेक्स्ट वगैरह अगर आपका करेक्ट है तो सही है, अगर आपका रॉन्ग हो गया है तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा जो वर्ड लिखना चाहते हो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, सही कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो इटैलिक है या फिर फॉन्ट स्टाइल है अपने हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो। थिकनेस वगैरह आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फॉन्ट स्टाइल का भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, किसी में भी जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसको आप चेंज कर सकते हो और जो भी लाइन है उसके कलर्स वगैरह भी आप वन क्लिक के अंदर यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर आपको रेड रखना है तो रेड रखो, अगर आपको उस लाइन का कलर ब्लू रखना है तो आप ब्लू रख सकते हो। हेडिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको मिडिल में रखना है उसको भी अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप रोटेट कर सकते हो लेफ्ट राइट। तो ये सारा ऑप्शन भी आपको मिलता है एडिट के सेक्शन में, तो अपने हिसाब से उसको काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है ऐड इमेज का। तो यहाँ पर आप अपने पीडीएफ के बीच में रिसाइज करके आप इमेज को सेट कर सकते हैं और जो भी प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है आपको कॉलेज या फिर स्कूल के अंदर तो उसमें आपको पीडीएफ के साथ साथ इमेज को भी सेट करना होता है। तो इस ऑप्शन के साथ आप काफ़ी आसानी से इमेज को आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐड टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसके बाद भी अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो काफ़ी आसानी से टेक्स्ट में जाकर आपको जो भी लिखना है उस बॉक्स के अंदर आप काफ़ी आसानी से वहां पर लिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप लिखेंगे उसकी फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप चेक यहां पर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और यहां पर आप उसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं और थिकनेस को आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसको दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है आपका क्रॉप का, तो आप पीडीएफ को यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नया ऑप्शन है वो है वाटरमार्क का, तो यहाँ पर जो आपका पीडीएफ है उसमें आप वाटरमार्क अपने हिसाब से दे सकते हो। वाटरमार्क का आप कलर भी चेंज कर सकते हो और ओपेसिटी को भी अपने हिसाब से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। वाटरमार्क का मैंने कलर यहाँ पर चेंज कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का आपको वाटरमार्क देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर येलो कलर का वाटरमार्क यहाँ पर चेंज किया था। तो आप देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो चुका है।
इसके अलावा यहाँ पर न्यू बैकग्राउंड को भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो बैकग्राउंड का कलर को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको वाइट बैकग्राउंड के बदले आपको ग्रीन येलो कुछ भी रखना है तो उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ओपेसिटी को भी आप यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जो भी विजिबिलिटी वगैरह है उसको अपने हिसाब से यहाँ पर आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हेडर और फुटर को भी अपने हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलता है और बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको पीडीएफ के साथ इतनी ज़्यादा आपको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है, तो इसको यहाँ पर आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कोई भी लाइन को यहाँ पर अपने कलर के साथ चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको कट कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और उस लाइन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, कोई भी लाइन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कलर के साथ, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, न्यू कलर के साथ उसको कट भी कर सकते हैं और जो भी ड्रॉ करना है आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर सर्कल जो भी उसको काफ़ी आसानी से ड्रॉ सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अपने हिसाब से आप फॉर्म भी यहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मैं बनाकर दिखा देता हूं, तो यहां पर अपने हिसाब से आप बॉक्सेस को यहां पर ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर आप काफ़ी आसान तरीके से बॉक्सेस यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो और उसको आप फिल भी कर सकते हो ताकि ये दिखने में काफ़ी परफेक्ट लगे। इसके अलावा आप यहाँ पर छोटे छोटे चेक बॉक्सेस भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो कि आप यहाँ पर मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उसके लिए जो यहाँ पर चेक बॉक्सेस होते हैं उसको आप काफ़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको दूसरे बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसको आप यहां पर सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको ऐड कॉम्बो बॉक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब कॉम्बो बॉक्स के बारे में तो आपको पता होगा कि यानी बॉक्स के अंदर भी आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलते हैं कोर्स वगैरह का, एक साथ आपको बीए बीएससी इस तरीके के कोर्स होते हैं, तो उसको आप ऐड कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड कर दोगे तो अपने कोर्स को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। बीटेक, बीबीए, एमबीए, एमसीए इस तरीके के लिए आपको कॉम्बो बॉक्स की ज़रूरत होती है, तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉम्बो बॉक्स का नेम है और यहाँ पर आपको देना है, फिल करना है कि आपका जो कॉम्बो बॉक्स का नेम हो क्या हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको आइटम को भी फिल करना है, वैल्यू एक्सपर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू जो है उसको भी आपको यहाँ पर फिल करना है और आइटम लिस्ट भी जो है उसको भी आपको यहाँ पर फिल करना है, ताकि जो आपका फॉर्म है वो पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो सके। और काफ़ी आसानी से इसको मैं आपको भर के भी अब दिखा देता हूँ कि आपको इस तरह कुछ फॉर्म देखने को मिल जाता है। जैसे इसको आप क्रिएट करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, जेंडर, चेक बॉक्सेस के अंदर जो मैंने बनाया है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो और कोर्स जो आपका है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी फॉर्म मैंने क्रिएट किया था उसको मैंने यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके दिखा दिया। इस तरीके से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी क्रिएट करके फिल कर सकते हो। इसके अलावा डाटा ऐड कर सकते हैं, डाटा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको आप अपने कंप्यूटर में भी यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं और डिजिटली भी इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, तो बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट के ऑप्शन में आपको यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन का भी आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको कोई छेड़छाड़ ना करे तो आप यहाँ पर पासवर्ड के साथ उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको OCR का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, उसको यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं। ऑप्टिमाइज PDF का आपको ऑप्शन मिलता है, उसके साथ भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और PPT के साथ भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर आप उसको काफ़ी आसानी से यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मेल में आप यहाँ सेंड कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स में इसको आप सेंड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में सेंड कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एडिट के सेक्शन में जाके आप यहाँ पर फॉर्म रिकॉग्निशन और क्लोज फॉर्म एडिटिंग भी आप यहाँ पर
कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप इसको यहाँ पर फॉर्म को यहाँ पर सेव कर सकते हैं और फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्म के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको आप अपने काम में ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर मैं ओवरऑल इसका रिव्यू करूँ तो इसके अंदर बहुत ही कुछ है जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। थंबनेल है, बुकमार्क्स है, ऐड है, और इसके अलावा अटैचमेंट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, सर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से फाइल हो, होम हो, व्यू हो, कन्वर्ट हो, एडिट, कमेंट, पेज, फॉर्म, प्रोटेक्ट और शेयर, किसी को भी आप काम में ले सकते हो। और हेल्प के अंदर कोई भी क्वेरीज हो उसको यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर कमेंट के सेक्शन के अंदर आपको बहुत ही ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ करने का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। पेज के सेक्शन में आपको एक्सट्रैक्ट, इंसर्ट, स्प्लिट, रिप्लेस और पेज का आपको लेबल्स वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है, उसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर वेबसाइट आपको देखने को मिलता है, 60% अभी ऑफ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ या फिर मैक है तो इसको आप फ्री ट्रायल के साथ चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, काफ़ी आसानी से जाके इसको आप चेक कर सकते हैं। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये वेबसाइट और कैसा लगा हमारा ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।